हाय फ्रेंड्स, जैसे आपने इस वीडियो का टाइटल देखा होगा कि इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव ट्रिमर। मतलब जितने भी सस्ते ट्रिमर मार्केट में अवेलेबल है उनमें से ये एक है, और इसको मैंने कोई भी छोटी मोटी दुकान से नहीं खरीदा है, इसको मैंने खरीदा है बहुत ही बड़े स्टोर से। तो एग्जैक्टली मैंने इसको कहाँ से खरीदा है, इसकी प्राइसिंग क्या है और ये किस तरह से काम करता है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए। तो दोस्तों, ये ट्रिमर मैंने खरीदा है डीमार्ट स्टोर से। ये DGZ ब्रांड का ट्रिमर है जिसकी कॉस्ट है 329 रुपीस और इसका मॉडल नंबर है 80028। बॉक्स के साइड में इसके कंटेंट्स दिए हुए हैं जो आपको बॉक्स के अंदर मिलने वाले हैं। इसकी MRP लिखी गई है जो है 370 रुपीस और ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। अब बॉक्स के पीछे इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, तो चलिए इसकी हम फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से। तो बॉक्स के अंदर से सबसे पहले ये ट्रिमर के कंटेंट्स निकले हैं और दूसरी चीज़ जो हमें मिली है वो है इसका यूज़र गाइड जो हमें बताता है कि इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये ट्रिमर है जो एक प्लास्टिक में रैप्ड है, इसे हम बाहर निकालते हैं। दूसरी चीज़ है इसका चार्जिंग कॉर्ड, इसमें आपको किसी भी तरह के एडेप्टर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिक प्लग में इसको लगाना है। तीसरी चीज़ है ये ऑयल जो लुब्रिकेशन का काम करता है, जो आपको ब्लेड इसमें लगाना है। और चौथी चीज़ जो मिली है वो है इसका ब्रश जिसे आप ट्रिमर के ऊपर जो भी बाल जमा होंगे उसको साफ करना है। तो इस तरह से ये चार चीज़ें हमें ट्रिमर के कंटेंट में मिली है। तो दोस्तों, अगर हम इस ट्रिमर को देखें तो इसमें ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है जो है क्रोम फिनिश में, और मुझे थोड़ा सा स्लिपरी लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रिप जैसा मटेरियल दिया है प्लास्टिक का। यहाँ पर चार्जिंग का इंडिकेटर दिया हुआ है। ट्रिमर के नीचे दो चार्जिंग पोर्ट्स दिए हुए हैं जिससे आपको चार्जिंग केबल कनेक्ट करनी है और इसको चार्ज करना है। अब ट्रिमर के पीछे एक बैटरी का कंपार्टमेंट दिया हुआ है जिसको आप ओपन भी कर सकते हैं। इसके अंदर एक बैटरी देखने मिलती है जो रिचार्जेबल बैटरी है और इसको निकालना नहीं है। और अगर हम इसके ब्लेड्स की तरफ देखें तो इन्होंने मेंशन किया है कि ये स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स है और ब्लेड्स के ऊपर एक कोम दी गई है जो एडजस्टेबल है और आपको जितनी ट्रिमिंग करनी है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इस कोम को निकाल देते हैं तो कम से कम ट्रिम होगी वो है 0.3 mm। और अब मैं आपको ये ट्रिमर स्विच ऑन करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ये चलता है। अगर आप इस ब्लेड के ऊपर देखें तो यहाँ पर कुछ कंपनी की तरफ से ऑयल लगाया गया है, इसलिए लगा दिया ताकि ये ब्लेड जो है वो बिल्कुल ठीक से फंक्शन करे। और अब मेरे हाथ के बाल आपको ट्रिम करके दिखाता हूँ विदाउट कोम से, यानी 0.3 mm से। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ के जो बाल है वो 0.3 mm से ट्रिम हुए। और अगर आप इसको थोड़ा दूर से देखोगे तो आपको ये बिल्कुल प्लेन दिखेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें एक छोटा सा इश्यू है कि ट्रिम करते समय कभी कभार बाल जो है इसके ब्लेड्स में फंस जाते हैं। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए भी एक सोल्यूशन है कि जहाँ पे भी आपको ट्रिम करनी है वहाँ पे आप फेस पाउडर लगा दीजिए और उसके बाद आपके बाल जो है वो नाक के बराबर फंसेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं यूज़र मैनुअल में कि इसको यूज़ करने से पहले
आपको इसको 16 घंटे तक चार्ज करना है बैटरी के मैक्स परफॉर्मेंस के लिए। और इसको बैटरी जो है वो है 600 mAh की। इसका चार्जिंग टाइम है 8 से 12 घंटे का, लेकिन बैकअप टाइम भी बढ़िया है जो है 45 मिनट्स का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको मैं एक महीने से यूज़ कर रहा हूँ और एक महीने में मैंने करीबन इससे 5 या 6 बार ट्रिमिंग की होगी और मुझे इसको एक भी बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपको कोई वारंटी नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो क्या इस ट्रिमर को लेना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि 329 रुपीज़ में बहुत ही बढ़िया ट्रिमर है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है और बहुत ही फ्लॉलेस काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, गुड बाय, टेक।